लेकिन संयोग ऐसा था कि ऊपर वाला की दया से माँ की सरस्वती की देन से बहुत अच्छा प्ले हुआ और डायरेक्टर ने खुश हुआ। उसके बाद फिर संघर्ष वही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो मैं एक दिन ऐसे ही आराम नगर से ऑडिशन दे करके आ रहा था, तो उस समय ओमकारा मूवी बन रही थी। तो मैं गया ऑफिस में तो बोले कि से कास्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, आप बेकार के आए हैं, कोई फायदा नहीं। मैं सर करीब मई का महीना था, तपती धूप थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं पैदल आया था, पसीने से पूरा लथपथ था। लेकिन उसने लेडीज़ ने ऐसा बोला ना कि मुझे अंदर से बहुत हर्ट हुआ, दुखी हुआ मैं, अब मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा कि एक फ़ोटो निकाला, उसमें से दाढ़ी उसमें मेरी बड़ी हुई थी बहुत, मैंने दाढ़ी वाली फ़ोटो निकाली कि ये पकड़िए फ़ोटो, आपको काम देना है न दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, जो करना है सो कीजिए, मैं नहीं जानता, मैं दिन भर पागल हो गया हूँ धूपा में, मैं कुछ नहीं जानता, मैं फ़ोटो दे करके चला आया। 2 घंटे बाद उसी ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आप आइए, आपके ओमकारा में कास्टिंग हुई है। तो मैं नसीर साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, अजय देवगन के साथ, बिपाशा जी के साथ एक गाने में नमक इश्क का गाना है, उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर वही ऑडिशन का सिलसिला चालू रहा। तो मैं गया दबंग फिल्म के लिए, उसकी ऑडिशन चल रही थी। तो वहाँ मुझे एक दिन मुझे बुलाया कि सर कास्टिंग फुल है, चले जाओ। लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ा, मैं 7 दिन कंटिन्यू गया। तो मुझे एक लाइन का डायलॉग दिया गया, वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है सर। उस डायलॉग का ये था कि रज्जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, ये लाइन मुझे मिली। तो मैं सोचा, अब उसी दिन मुझे ट्रेन से पटना जाना था, मैंने कहा कि भाई ये एक लाइन में क्या परफॉर्म आदमी कर पाएगा। तो मैं असिस्टेंट बोला कि भाई सर ये एक लाइन, हाँ सर यही एक बचा हुआ नाई का रोल है, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो देख लीजिए। मैंने हिम्मत नहीं खोया सर, और उस एक लाइन को मैंने 27 लाइन बनाया अपने मन से, माइन ऑडिशन दिया, और जितना हुआ करीब 26 लाइन जोड़ करके मैंने बोला। अब बोलने का 27वां लाइन मैंने ये रखा कि रज्जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, करीब 6 मिनट का मैंने ऑडिशन दिया वो। अब वो ऑडिशन दे करके वहीं पे एसोसिएट जो था गिर गया हंसते हंसते, क्या कमाल का ऑडिशन दिया। उसने फिर डायरेक्टर को दिखाया, फिर सलमान भाई देखे, अरबाज भाई देखे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये रोल इसके लिए नहीं। तो तब मुझे वो दबंग में चौबे जी का रोल मिला। बताना चाहेंगे किस तरह का वेरिएशन दिया आपने रज्जो घर पे नहीं है, क्या क्या काम? मैंने एक टोन था सर कि इसे रज्जो रज्जो तेरे बाप को नहीं देखा, ऐसे करके कुछ था, अभी उतनी याद नहीं आ। मैंने एक टोन दिया था उस लाइन को, लहजा दिया। लहजा दिया था, तो वो लहजा उनको पसंद आया। ओके, तो फिर जब चौबे का रोल दिया गया तब क्या ब्रीफ था, क्या बताया गया आपको? चौबे का रोल दिया गया, बोले कि एक कस्टमर का रोल है और वो आपको सलमान भाई के साथ है, करना है ऐसे ऐसे। तो जब मैं सेट पे पहुंचा सर, तो करीब 2-3 बजे मुझे सेट पे पहला शॉट ये था कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ, मेरे हाथ में गोली लग गई है, और मैं सलमान भाई आने वाले हैं और कुछ वही डायलॉग्स होने वाले हैं। मैं रिहर्सल वर्सल्स करके सब रेडी था, तो पता चला कि अब सलमान भाई आने वाले हैं। जैसे ही सलमान सर को देखा सर, मैं सारा लाइन भूल गया, मेरे जो पसीने से पीछे गीले थे अब ऊपर गीले होने चालू हो गए, इतना नर्वस था मैं। लेकिन क्या आदमी है बॉस, हीरा आदमी कहिए उनको, अभी भी उनका नाम लेता हूँ तो मेरी आंखें भर आती। उन्होंने मुझे भाप लिया कि ये आदमी नर्वस है, और उन्होंने बोला कि चौबे जी, उन्होंने ऐसा शुरुआत किया मेरे साथ जैसे लगा कि दोस्त हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, क्या करते थे इससे पहले, ऐसा करके उन्होंने मुझे एकदम नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल कंफर्टेबल कर दिया। एकदम कंफर्टेबल इतना हो गया मैं कि उन्होंने कहा कि अब सीन ये है। और ऊपर वाला की दया से सर ये ऐसा हुआ कि 1 टेक ओके हुआ सीन, पूरा लंबा सा सीन था करीब। ओके, उसके बाद दबंग रिलीज हुई होगी, फिर दुनिया कितनी बदली आपकी? सर उस समय तो 2-3 साल तो मुझे बड़ी बड़ी फिल्में मिली, जिला गाजियाबाद किया मैंने, पुलिसगिरी किया, आक्रोश किया, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में उस समय मिली। लेकिन फिर वो पता नहीं क्या संयोग ऐसा भिड़ा कि फिर वही संघर्ष चालू हो गया वापस। लगता था कि संघर्ष चालू हो गया, अब उसी संघर्ष में मैं लगा रह गया, अभी भी वही कर रहा हूँ। अभी मेरी 3-4 फिल्में मैंने की थी
बीच में, जो अभी एक लखनऊ सेंट्रल आ रही है आपको ये 15 सितंबर को, उसके बाद रांची डायरी करके है वो 5 अक्टूबर को है रिलीज है सर। एक आखिर कब तक पिक्चर आई थी उसमें मेन विलन का रोल किया था, उसी बीच में एक पिक्चर और मिली थी, मैं कहना भूल गया, मंथन ए कश्मकश, जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम का करेक्टर करने का प्ले में मौका मिला मुझे, तो मेन दाऊद का मैंने रोल उसमें किया था मंथन ए कश्मकश। ओके चुपे जी, शादी की बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपने शादी कब करी और शादी का क्या सिलसिला है आपकी? अरे सर क्या बताऊँ, एक जोक है समझिए, हमारे साइड में शादी फिल्म लाइन वाले में गरीब लड़की भी उन तो भी नहीं देना चाहते हैं, ऐसा है। अब फिल्म लाइन को तो भूल ही जाइए, मैंने फिल्म लाइन के वो लोग नाम ही नहीं सुनना चाहते कि नहीं फिल्म लाइन में इससे शादी नहीं होगी। मैं सर काफ़ी इंतज़ार करता रहा, दबंग रिलीज हुई तब मैं गांव गया कि भाई मैं ये करता हूँ इतना, तब मुझे अच्छा मेरी इच्छा ही थी कि मैं अपने कास्ट में करूँ और कोई गरीब लड़की से करूँ जिसका असमर्थ हो, मेरी ये इच्छा थी। संजोग से ऐसा हुआ कि एक दोस्त के थे, वो मामा थे लड़की के, वो टकरा गए, उन्होंने बोला कि आपकी कोई इच्छा? हम कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो होगा मैं करूँगा, सिर्फ मुझे लड़की चाहिए। तो वो दबंग के बाद ही मुझे वो शादी हुई सर, दबंग 1 के बाद। ओके, दबंग 2 में भी थे आप? हाँ दबंग 2 में भी थे। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस दूसरी बार जब आप सेट पे गए होंगे, सलमान मिले होंगे? अरे सर कुछ मैंने क्या बताऊँ आपको, सलमान भाई तो खैर कमाल के, मैंने टचवुड उनका नेचर ऐसा ही बना रहे, मैंने लगा ही नहीं कि ये इतने बड़े स्टार हैं, दोस्त की तरह भी हेल्प करते, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ। मैंने इतना और भी स्टारों के साथ काम किया लेकिन इनके साथ जो काम करने का वैसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी भी खाना खाया तुमने, कहाँ ठहरे हो, अगर उनको पता चल जाए कि मैं गलत जगह ठहरा हूँ तो गुस्सा करेंगे, इसलिए मुझे ठीक उनके जहाँ रहते थे जिस होटल में उसी के ऊपर मुझे रूम दिया जाता था, बराबर बराबर पूछते थे, नाश्ता किया, खाना खाया, क्या हालचाल है, परिवार का क्या हालचाल है, बच्चे कैसे हैं, मतलब बराबर ये सब पूछना। ओके, और क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? अभी तो बताया सर आपको कि अभी लखनऊ सेंट्रल आ रही है, और किस तरह के तरह निभाते रहेंगे? उसमें भी कांस्टेबल का सर रोल है लेकिन एक अलग तरह का कांस्टेबल है, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा, वो दबंग वाले नहीं। फरहान अख्तर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका? प्रोडक्शन एक्सेल की फिल्म है, एक्सेल की पिक्चर नहीं है सर, ये निखिल अडवाणी जी की पिक्चर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? निखिल सर के साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, इसलिए कि उन्होंने जब मेरा शॉट लिया तो बहुत खुश हुए, और बहुत हम्बल किस्म के आदमी हैं, और जहाँ तक फरहान अख्तर जी का कहना मैं तो फरहान अख्तर भी सर, वो भी एक मैं जब मिलने गया पहली बार उनसे फरहान सर से, तो वो मुझे लगा ही नहीं कि ये फरहान अख्तर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, लगा ही नहीं। वो भी बहुत ही हम्बल हैं, एकदम गले मिल लिए कैसे हैं, जिसे लगता है कि बहुत पुरानी जान पहचान हो, ऐसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। थैंक यू।